क्वेश्चन नंबर 282, फैक्टराइज 2x² प्लस 7x प्लस 3। 2x² प्लस 7x प्लस 3। तो इस क्वेश्चन में हमें इसके मिडिल टर्म को स्प्लिट करने के लिए यह x² का कोफिशिएंट 2 और कांस्टेंट टर्म, इन दोनों को जनरली स्टूडेंट क्या करते हैं इसमें मल्टीप्लाई करके फिर उनका फैक्टर निकालते हैं। तो आप इनका सेपरेटली निकालना है दोनों का, तो इससे आपका टाइम सेव होगा। तो इसके प्राइम फैक्टर्स दोनों के मिला के ये हो रहे 2 और 3, हमें लाना है 7। तो हम एक यहाँ पे 1 ले लेंगे और फिर इनका ग्रुप ऐसे करेंगे 3 2 6 × 1। तो अगर हम 6 और 1 ऐड कर रहे हैं तो ये 7 हो रहा है पॉजिटिव में। तो ये मिडिल टर्म होगा 6x + x + 3। ये है रफ वर्क। और इसमें फर्स्ट टू टर्म में कॉमन है 2x, तो 2x कॉमन लेने से फर्स्ट वाले टर्म में बचेंगे ओनली x, और सेकंड वाले टर्म में 6 3 2 6 होता है, x तो कॉमन है, और लास्ट के टू टर्म में x और 3 इसका HCF 1 होगा, इसमें कॉमन 1 हो रहा है। और अब इनमें कॉमन है x + 3, तो फर्स्ट टर्म में बच रहा है 2x और लास्ट टर्म में 1, विच इज़ द रिक्वायर्ड आंसर।